लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है स्टैक प्रोग्रामिंग यूजिंग एरे। और अगर किसी को इसके ऑपरेशंस के बारे में नहीं आता है कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, पीक ऑपरेशन क्या होता है, इस फुल ऑपरेशन, इस एम्प्टी ऑपरेशन, तो ये सारे ऑपरेशन भी हमने डिस्कस किए हैं। आप जो है वीडियो नंबर 26 पे, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो नंबर 26 पे विजिट करिए और वहां पे सारे के सारे स्टैक ऑपरेशन को सीखिए पहले और फिर इस वीडियो पे विजिट करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से स्टैक प्रोग्रामिंग में पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे और पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, लिंक्ड लिस्ट बेसिकली जिसके पास एक नोड होता है जहां पे हमारे पास डेटा होता है और क्या होता है, और हमारे पास उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। फिर इसके पास भी क्या होता है, डेटा होता है और इसके पास भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। अगर मान लो एक ही हमारा डेटा है, यहाँ पे नेक्स्ट नोड नहीं रेफरेंस कर रहा है, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, नल ले लेते। तो लिंक लिस्ट था, है ना। तो देखो, अगर हम स्टैक बनाएंगे, अगर हम स्टैक बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। हम कह रहे हैं इसके अंदर आपने एक वैल्यू डाली, ठीक है, इसके अंदर आपने एक वैल्यू डाली। तो देखो, ये पहला नोड है हमारा, ठीक है, ये पहला नोड है जो कि स्टैक के अंदर बनने जा रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई चलो इसके अंदर एक डेटा डल गया और यहाँ पे हमने नल डाल दिया। क्यों नल डाल दिया, रीजन ये है कि ये पहला स्टैक है तो इसको हमने नल से असाइन कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई स्टैक नहीं है जो हम रेफरेंस दें या कुछ दें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हमने दूसरे नोड को पुश किया यहाँ पे, ठीक है, हमने दूसरे नोड को यहाँ पे पुश किया तो 20 मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे क्या रेफरेंस रहने वाला है, यहाँ पे किसका एड्रेस रहने वाला है, तो हम किसका एड्रेस इसके अंदर रखेंगे, हम इसमें इस 20 के बाद इसमें यहाँ पे किसका एड्रेस रखने वाले हैं, ये जो टेंथ वाला डेटा है इसका एड्रेस रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस मान लो ये 1025 है, तो हमने इसको यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। इसी तरह से अब हमने एक और वैल्यू को इंसर्ट किया इसके अंदर, एक और नोड बनाया, अब इसके अंदर हम किसका एड्रेस रखने वाले हैं, 1026, मान लो इसका एड्रेस ये हमारा आ गया। तो हो क्या रहा है, जो 30 है वो 20 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जो ये वाला नोड है वो हमारा 10 को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो 20th डेटा वाला नोड है वो हमारा 10 को पॉइंट कर रहा है, जो 30 वाला डेटा है वो हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है 20 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लिस्ट है, मतलब कुछ इस तरह से बनी है, मतलब जो लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है वो हमारी कुछ इस तरह से है, ये नल। अगर ध्यान दीजिए, ये जो एरो है इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है, ये जो एरो है इसको आप ऐसे बना लो, तो जस्ट रिवर्स यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे 1026 इसका एड्रेस है, तो जो 30 है हमने 1026 यहाँ पे रखा है, मतलब कि ये इसको रेफरेंस कर रही है। अभी तक के हमने लिंक लिस्ट में क्या पढ़ा था कि ये नेक्स्ट वाले नोड को रेफरेंस कर रही है, नेक्स्ट वाले नोड को रेफरेंस कर रही है, ये क्या कर रही है, ये हमारा जस्ट प्रीवियस वाले नोड को रेफरेंस कर रही है, और जो पहला नोड है वो नल से रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब मान लीजिए 40 इंसर्ट करना है, तो 40 को जैसे ही हमने इंसर्ट किया, अब यहाँ पे क्या एड्रेस आने वाला है, यहाँ पे 1027 आने वाला है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एड्रेस स्टोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1027 जो है यहाँ पे आ गया, तो विच मीन जो 40 है वो अपने नीचे वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार फिर से देख लो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली,
अगर हम इसका कोड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला, अगर हम बात करें इसके कोड की, तो सबसे पहला तो हमारा यही काम है, स्ट्रक्चर नोड। और इसके अंदर हमने क्या रखा है, एक इंटीजर नाम का डेटा रखा है, तो इंट डेटा। और फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर क्या कर रहे हैं हम, ये जो है हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है या प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, आप जैसा चाहो इसका नाम रख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ कर दिया कि ये जो है, आप चाहो तो अपनी लिए नेक्स्ट भी रख सकते हो और प्रीवियस भी रख सकते हो, हमने ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, स्ट्रक्चर बन गया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए, अब बात समझिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो है कोड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम कोड वैसे तो लिख के ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोड को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैलॉक बनाओगे भाई, मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, अब मान लो इसको हमने पीटीआर माना है, मान लो इस नोड को हमने क्या कहा कि ये पीटीआर है। ठीक है, यूजिंग मैलॉक फंक्शन वो मेमोरी को एलोकेट करेंगे, और वहां पे हमने इस नोड का नाम क्या रखा है, पीटीआर। ठीक है, अब जब हमने इसको पीटीआर दिया, तो पीटीआर के डेटा में क्या आया, 10 आ गया। ठीक है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आया, नल आ गया ना, यही तो है, नेक्स्ट में क्या आया, नल आ गया, यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। खैर, पहला नोड तो ये हमारा है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ मान लो हम हेड लेके चल रहे हैं, हेड इक्वस टू नल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेड इक्वस टू नल, विच मीन्स हमने कहीं ना कहीं हेड पॉइंटर एक बनाया हुआ है, जिसको हमने बोला है नल है तू। ठीक है, एक नल हमने हेड पॉइंटर बनाया हुआ है, जिसको हमने क्या बोला है कि तुम नल हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो कोड को समझने में। वैसे तो हम कोड लिख के भी लाए हैं, बस थोड़ा सा इसको इसलिए समझ ले रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा बैठ जाएगा दिमाग में आपके कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। फिर देखो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, हेड जो है वो नल है, तो हम क्या कह रहे हैं, हेड जो है उसको हम क्या कह रहे हैं कि जो भी पीटीआर में पड़ा है वो हेड बन जाए। ठीक है, अब इस नोड को हमने क्या नाम दे दिया, इस नोड को हमने नाम दे दिया हेड, है ना, इस नोड को हमने नाम दे दिया हेड। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब एल्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो देखिए, एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एल्स वाला पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं, एल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं। चलिए, तो देखिए, एल्स वाले पार्ट में आप क्या लिखोगे, भाई हमने पीटीआर के डेटा में अभी 10 डाला था, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे 20 डाल दो, तो यही चीज हम बदल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तो पढ़ चुका है, अब 20 हमने, क्योंकि ना लिखे हम बार बार ये लाइन, इसलिए हमने इसमें 20 अपडेट किया, विच मीन्स यहाँ पे 20 आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट है, क्या नल रहेगा, इसका नेक्स्ट क्या नल रहेगा? चलो आपने मान लो कर भी दिया नल, ठीक है, मान लो इसका नेक्स्ट आपने नल कर भी दिया, तो ये दो लाइन तो कॉमन हो गई हमारी। ठीक है, ये दो लाइन हमारी कॉमन हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, अब ध्यान दीजिएगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम कह रहे हैं हेड आ जाए, क्योंकि ये जो हेड है इसी में ही तो 1025 बेटा रखा हुआ है, इसी में रखा हुआ है ना, तो हम 1025 यहाँ लाना चाहते हैं ना। और ये क्या है, ये हेड क्या है, एक एड्रेस है। अच्छा, ये हेड क्या है, एक एड्रेस है, तो ये एड्रेस 1025 जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है, तो हम कह रहे हैं हेड जो है वो पीटीआर का नेक्स्ट बन जाए। तो पीटीआर यही है बेटा, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 1025 पड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती थी, अगर ध्यान दो, एक मिनट मैं पेन चेंज करती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती थी कि ये लाइन हम ना लिखते यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन हम ना लिखते यहाँ पे, और ये लाइन हम यहाँ लिख देते कि जब पहला नोड क्रिएट हो रहा है तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल है ना, जब पहला नोड क्रिएट हो रहा है तो पीटीआर का नेक्स्ट जो नल है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब हेड नल है तो पीटीआर का नेक्स्ट भी नल कर दो और पीटीआर को हेड बना दो। ठीक है, इससे होगा क्या, हमने ये लाइन अगर नहीं लिखी तो इससे होगा क्या,
कि हमको, क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट बार बार हेड तो बनाना ही पड़ रहा है ना, पीटीआर का नेक्स्ट हमें क्या बार 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 बनाना ही पड़ रहा है हेड, तो इसलिए हम इसको एक बार नल बनाए फिर इसको हेड बनाए, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है कि भाई एक बार हम उसको नल बना रहे हैं फिर एक बार हेड बना रहे हैं उसको, तो क्यों ना हम इसके अंदर लिख दें कि भाई अगर हेड हमारा नल है तो आप पीटीआर के नेक्स्ट को नल बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं कि जो हेड है वो पीटीआर का नेक्स्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज हमने लिखी, तो हुआ क्या 1025 ये आ गया। अब यहाँ पे हम बस छोटी सी एक लाइन और, क्या लाइन जोड़ेंगे, जो हेड है जो पीटीआर है उसको हम हेड कर दें, तो होगा क्या, देखिए अभी हेड ये भाई साहब बने हुए थे, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, जो पीटीआर है, अब पीटीआर ऊपर वाला पीटीआर था ना, ये 20 वाला पीटीआर बना हुआ था, तो इसको हम कह रहे तुम हेड बन जाओ, चलो तो हेड ऊपर चला गया। तो हमने क्या करा, पहले वाला ये जो हेड था इसको खिसका के ऊपर कर दिया। अब मान लो हम 30 को लेके आए, तो यहाँ हमने डेटा अपडेट किया, अब पीटीआर के डेटा में 30 आया, तो ये नोड क्रिएट हुआ, ठीक है बच्चा, तो ये नोड क्रिएट हुआ। अब हम देखो क्या हेड नल है, नहीं है भाई, तो इस वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं, इस वाले में आइए एल्स वाले में, तो एल्स वाले में हमारे पास क्या है पीटीआर का नेक्स्ट, तो एल्स वाले में हमारे पास क्या है पीटीआर के नेक्स्ट में हेड आ जाए। तो देखिए बेटा ये हमारा पीटीआर बना है अभी, है ना, ये हमारा पीटीआर बना है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए हेड, हेड क्या है, हेड ये नीचे वाला है, तो नीचे वाले में क्या लिखा है 1026, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर था उसको आप हेड बना दो, तो जो पीटीआर था मतलब ये जो हमारा ये वाला नोड है ये अब हेड बन जाएगा, तो बस ऐसे ही काम होता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि भाई अब 40 हमने डेटा मिला दिया है, तो यहाँ पे हमने अपडेट किया 40, ठीक है। ये अपडेशन हम कैसे कर रहे हैं भाई, फंक्शन आपने लिंक लिस्ट को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपने लिंक लिस्ट को अच्छे से पढ़ा है, अगर किसी को लिंक लिस्ट ही नहीं आती है तो भैया पहले जाके लिंक लिस्ट देख लो, हमने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाल रखे हैं लिंक लिस्ट के, आप पहले उस वीडियो को देखिए जाके और फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लिंक लिस्ट नहीं आती है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और वो नहीं सीख पाएगा, स्टैक के प्रोग्राम को यूजिंग लिंक लिस्ट सीखना है तो लिंक लिस्ट तो आना आपको जरूरी है ना, अगर आपको लिंक लिस्ट ही नहीं आता है तब तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई मुझे लिंक लिस्ट ही नहीं आता है, तो एक बार जाके वीडियो को देखो, अगर भूल गए हो फिर भी देखो, ठीक है। चलो, और सभी बच्चे अटेंडेंस को मार्क कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, ठीक है। तो देखिए 40 यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, ठीक है, तो 40 को जब हमने इंसर्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हेड नल है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में हेड डालेंगे, तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या भाई, यही वाला पहला वाला ही तो पीटीआर बना हमारा बच्चा, तो ये पीटीआर के नेक्स्ट में हमने हेड वाली वैल्यू डाल दी, तो हेड क्या बना था 1027, तो वो हमारा आ गया ऊपर। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है उसको हेड बना दो, तो हेड यहाँ आ गया। तो देखो कुछ इस तरह से हमने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, तो जल्दी से हम पहले वही वाला स्टैक बना लेते हैं जो पीछे हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने 10 बनाया था, 20 लिया हुआ था, 30 था हमारे पास, 40 था, बस इतने ही थे। चलो, तो यहाँ पे देखिए सब लास्ट वाला तो नल ही था, और फिर 1025 था, 1026 था, 1027 था, 1028 था। अब यहाँ पे हमने क्या रखा था, 1025, 1026, 1027। चलिए, तो देखिए पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ पहले। तो देखिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमको, यानी डिलीशन, पॉप मींस डिलीशन, ठीक है, तो डिलीशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है यूजिंग लिंक लिस्ट। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम 40 को डिलीट कर रहे हैं, अगर हम 40 को क्या डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि पॉप ऑपरेशन हमारा टॉप से ही होता है, हेड से ही होता है, क्योंकि देखिए ये हेड बन चुका है, ये ध्यान रखना, ये हेड है, ये भाई साहब हेड है, ठीक है, ये भाई साहब कौन है, हेड है, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन हमारा कहाँ से होता है, टॉप से होता है, ठीक है, तो ये टॉप वाला कौन है, हेड है, टॉप वाला कौन है, हेड है, ठीक
ठीक है, तो इसी हेड भाई साहब को हमें बाहर निकालना है और नीचे वाले को हेड बनाना है, ठीक है। इस भाई साहब को हमको निकालना है, इस नोड को निकालना है, मतलब इस 40 को मुझे निकालना है और नीचे वाले नोड को हमें क्या बनाना है, हेड बनाना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो इस नोड का कुछ नाम रख ले, है ना, इस नोड का कुछ नाम रख ले। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो हेड है वो पीटीआर बन जाए, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हेड है वो पीटीआर बन जाए। ओके, तो इस भाई साहब को हम क्या कह सकते हैं, ये पीटीआर है। चलो, तो हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर के नेक्स्ट में पड़ा है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 1027, उसको हम क्या बना दें, तो पीटीआर के नेक्स्ट में पड़ा है उसको हम क्या बना दें, हेड। तो हेड क्या बन जाएगा हमारा, 1027 वाला, तो हेड तो नीचे आ गया, है ना, हेड तो नीचे आ गया। अब इसको हम क्या करें, फ्री कर दें। तो हमने क्या करा, फ्री कर दिया किसको, पीटीआर को, हो गया काम खत्म। बस इतना सा हमें काम करना है पॉप ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। अब मान लो हमने फिर से पॉप किया, अब 30 को हम डिलीट कर रहे हैं, तो 30 को जब हम डिलीट कर रहे हैं तो हेड ये था हमारा। अब हमने क्या करा, इसको अब हमने क्या बना दिया, हेड को क्या बना दिया, अब हमने पीटीआर बना दिया। तो अब हमने इसको पीटीआर भाई बनाया, तो पीटीआर जब हमने इसको बना दिया, तो अब जो पीटीआर का नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 1026, इसको हम क्या कह रहे हैं, तुम हेड बन जाओ, इसका मतलब हेड नीचे आ गया। अब जब हेड नीचे आ गया, हमने फ्री किया पीटीआर को, तो पहला है तो नोड ये डिलीट हुआ, दूसरा नोड ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम कह रहे हैं हेड, अब जो 20 है वो भी डिलीट मारो, तो हेड के पीटीआर, हेड को हमने पीटीआर बनाया, विच मीन्स ये जो हेड है ये भाई साहब फिर से क्या बन गए, पीटीआर बन गए। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 1025, 1025 जो है उसको क्या बना दो, नेता बना दो, हेड बना दो। तो ये देखिए हेड नीचे आ गए भाई साहब, और जैसे ही हेड नीचे आए हमने कहा कि 20 तू फ्री हो जा, फ्री हो गया, ये डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास 10 बचा है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, जो हेड है उसको पीटीआर बनाओ, तो इसको फिर से हमने क्या बनाया, पीटीआर बनाया। अब जब हमने इसको पीटीआर बनाया, तो हम क्या कह रहे हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में जो भी पड़ा वो हेड बन जाए। अब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है, तो यहाँ पे कोई हेड नहीं बनेगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही फ्री हुआ, यहाँ पे हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर आप पॉप ऑपरेशन को आप परफॉर्म करोगे, आप पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, तो हमारे पास, हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये मिलने वाला है अंडर फ्लो। समझ में आई ये बात, चलिए तो इसकी कोडिंग अब हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कोडिंग को लिख रखा है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए void पुश ऑपरेशन, void पॉप ऑपरेशन, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, फंक्शन, वो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। कौन कौन से फंक्शन है जिनको हमने डिक्लेयर किया है, हमने पुश फंक्शन को डिक्लेयर किया है, पॉप फंक्शन को डिक्लेयर किया है, एंड डिस्प्ले फंक्शन को भी डिक्लेयर किया है। चलिए अब उसके बाद हम नोड बनाएंगे, तो नोड बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर नोड ले रखा है, जिसके अंदर पहले वाले को हमने वैल्यू लिया है और दूसरे वाले को नेक्स्ट लिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये नोड क्रिएट हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड जो है, एक हेड, मतलब एक हेड नाम से भी हमने एक नोड को बना रखा है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, स्ट्रक्चर यही बनेगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए पुश ऑपरेशन को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंट वैल्यू एक ली हुई है, मतलब हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब हम यूजर द्वारा इंसर्ट करवाएंगे वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड पीटीआर और स्ट्रक्ट नोड मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, विच मीन्स हमने डायनेमिकली मेमोरी को यहाँ पे ले लिया है, डायनेमिकली मेमोरी को असाइन कर लिया है, ठीक है, रन टाइम में हमारे पास मेमोरी आ जाएगी, और उस मेमोरी का नाम क्या होगा, पीटीआर, विच मीन्स इस नोड का क्या नाम हो जाएगा, पीटीआर। ओके, आप क्या कह रहे हैं, पीटीआर अगर नल है, मतलब कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर ही मेमोरी जो है फुल है, तो वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते,
वहां पे हम डेटा को नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है। तो पीटीआर अगर नल है, मतलब उसको कोई मेमोरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वहां पे जो है हम ये लिख सकते हैं, एक मैसेज पास कर सकते हैं कि नॉट एबल टू पुश द एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, एल्स पार्ट में हम लिखेंगे अपना कोड, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को एंटर किया, स्कैनफ में परसेंट डी एंड वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि यूजर के द्वारा होगी। फिर हम चेक करेंगे क्या हेड नल तो नहीं है, हम क्या चेक करेंगे, फिर हेड नल तो नहीं है, अगर हेड नल है तो हम इसके अंदर जाएंगे, और हेड अगर नल नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो हेड नल है, ठीक है, विच मीन्स क्योंकि अभी हमारे पास स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हेड क्या है हमारे पास, नल है। चलिए पीटीआर में वैल्यू, पीटीआर की वैल्यू में वैल्यू डाल दीजिए, विच मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो भी यूजर इनपुट करवाया, मान लीजिए 10 इनपुट करवाया, अब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं हम, नल डाल दीजिए, तो पीटीआर के नेक्स्ट में नल आ गया, ओके। और फिर इसी पीटीआर को आप हेड बना दीजिए, ठीक है, इसी पीटीआर को हमने क्या बना दिया, हेड बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं दोबारा से वैल्यू को इंसर्ट करिए, तो दोबारा से वैल्यू को हमने इंसर्ट किया, यूजर ने मान लो 20 दिया इस बार, ठीक है, तो यूजर ने 20 दिया हमें, वैल्यू जो है यहाँ पे 20 आई। अब 20 हम इस नोड के अंदर कैसे डालेंगे, तो हम एल्स पार्ट में मूव करेंगे, क्योंकि अभी हमारा हेड जो है वो नल नहीं है, तो जब हेड नल नहीं है तो पीटीआर की वैल्यू में वैल्यू आ जाए, तो जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा आई है 20, वो पीटीआर की वैल्यू में आ जाएगी, तो वो यहाँ आएगी, ठीक है बेटा। फिर पीटीआर के नेक्स्ट में हेड डाल दीजिए, तो यही हेड जो है यहाँ आ जाएगा। अब मान लो हेड हमने 1024 मान लिया है, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है उसको हेड बना दो, तो पीटीआर भाई साहब तो यही थे, इनको हम क्या कह रहे हैं, हेड बना दो। चलो यही अभी तक के हम करते चले आ रहे थे। अब मान लो यूजर ने एक और वैल्यू दी जो कि 30 है, ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे, हेड क्या नल है, नहीं हेड तो नल नहीं है, फिर हेड नल नहीं है तो हम एल्स पार्ट पे मूव करेंगे, फिर पीटीआर की वैल्यू में वैल्यू डाल देंगे, तो जो 30 यूजर द्वारा आई थी वो यहाँ आ गई। फिर क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में विच मीन्स हेड डालना है, तो हेड मान लो 1025 है, वो हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, और फिर हम क्या करें, जो पीटीआर है उसको हेड बना दो, तो ये भाई साहब हेड बन गए। तो इस तरह से हेड हमारा ऊपर पता चला जाएगा, और यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट होके आएगा कि आइटम जो है वो पुश होते जा रहे हैं, मतलब इंसर्ट होते जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो पॉप ऑपरेशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं भाई हेड नल तो नहीं है, विच मीन्स भाई हमारा जो स्टैक है वही खाली है, तो हम अंडर फ्लो की कंडीशन को पास करेंगे। अगर हमारा हेड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करा है, हेड में जो भी वैल्यू पड़ी, अब देख लो मान लो यार 10 बना लेते हैं, 20 बना लेते हैं और 30 बना लेते हैं, ज्यादा नहीं एलिमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि हम ये चीज अभी पीछे वीडियो में समझा चुके हैं, तो वीडियो को लेंदी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जाए और विजिट कर ले वीडियो को, एक बार फिर से जाए और पीछे वीडियो को फिर से देख ले, यानी अगर नहीं समझ में आया, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो कहीं और है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा है, हेड की वैल्यू, हेड हेड क्या है भाई, हेड तो हमारा ऊपर था, तो हेड की वैल्यू विच मीन्स 30, 30 को हम कह रहे हैं एक आइटम है उसके अंदर स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे जो आइटम है उसको हमने बोल दिया तुम 30 हो, ठीक है। अब हेड को हमने पीटीआर बना दिया, तो हेड जो है भाई साहब वो पीटीआर बन गए। अब जो हेड क्या नेक्स्ट है, तो हेड का नेक्स्ट 1026 है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हेड बन जाए, तो हेड इसको हमने बना दिया। जब हमने हेड इसको बना दिया, अब हम कह रहे हैं भाई पीटीआर तू फ्री हो जा, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, समझ में आई बात। और हम क्या लिख के एक मैसेज दे देंगे, आइटम पॉप्ड। इसी तरह से आप 20 को भी डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर से आइटम के अंदर 20 को स्टोर करवा सकते हैं, तो हेड की वैल्यू विच मीन्स ये जो 20 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम क्या कह रहे हैं, हेड जो है वो पीटीआर बन जाए, तो ये पीटीआर फिर से बन जाएगा। और फिर जो हेड का नेक्स्ट है, हेड का क्या नेक्स्ट है, ये 1025 है, वो क्या बन जाए, हेड बन जाए, तो हेड नीचे आ गया। जब हेड नीचे आ गया तो हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है, जो पीटीआर है वो फ्री हो जाए, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे सारे आइटम पॉप हो जाएंगे। अब डिस्प्ले ऑपरेशन क्या कहता है, डिस्प्ले सेम
सेम लिंक लिस्ट है, जो सिंगल लिंक लिस्ट का हम लोगों ने डिस्प्ले देखा था वही है। ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर ले रखा है और उस पीटीआर को हमने क्या करा है, पीटीआर को क्या करा है, हेड बना दिया है। तो हेड जो है वो हमारा क्या बन गया है, वो पीटीआर बन गया। अब जो पीटीआर अगर नल है, विच मीन्स हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी फेच होके। ठीक है, और मान लो ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे मूव करेंगे और प्रिंट करेंगे स्टैक एलिमेंट को, और फिर यहाँ पे पीटीआर जो है वो नल नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर पीटीआर नल नहीं है, देखो समझो, मान लो अगर पीटीआर नल नहीं है तो ये वाली वैल्यूज ये नल। अगर हमारा पीटीआर जो है वो नल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें वैल्यूज पड़ी हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, जो हेड था वही पीटीआर बनाया था हमने, है ना, हेड को हमने क्या बनाया था, पीटीआर। तो हेड हमारे भाई साहब यहाँ पे थे। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, इनको पीटीआर बोला गया है, तो ये पीटीआर है, तो पीटीआर की वैल्यू क्या है, 30 है, तो वो हमारी आ जाए, तो 30 पहले प्रिंट हुआ। अब जब 30 प्रिंट हुआ, इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, पीटीआर का जो नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, वो ये है 1026, इस पे आइए, इसको पीटीआर बनाइए, तो ये पीटीआर बन गया। अब जब ये पीटीआर बन गया, फिर देखिए पीटीआर अभी नल नहीं हुआ है, तो जब पीटीआर नल नहीं हुआ है हम क्या करेंगे, परसेंट डी फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर पीटीआर की वैल्यू, पीटीआर की वैल्यू 20 है। ठीक है, वो हमने परसेंट डी की मदद से प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करवा दिया। अब हमने क्या करा, पीटीआर के नेक्स्ट में गए, तो पीटीआर के नेक्स्ट में हमने पाया 1026, तो वो जो पीटीआर है वो ये हमारा बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर से चेक करेंगे, पीटीआर नल नहीं हुआ अभी, तो पीटीआर नल नहीं हुआ तो 10 को प्रिंट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पीटीआर की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट करें। तो कुछ इस तरह से हमारे सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होंगे एक एक करके। ठीक है ना, और फिर पीटीआर के नेक्स्ट को चेक करें, तो पीटीआर का नेक्स्ट अब क्या हो गया, नल हो गया। अब हमारे, अब हम जब इसमें जाएंगे तो पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं रहा है, अब नल हो गया है, तो यहाँ पे ये जाएगा ही नहीं, सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर हमारा इंट मेन में देखिए यहाँ लिखा है पुश, तो मान लो हमने पुश किया 10, फिर डिस्प्ले करवाया तो केवल 10 ही डिस्प्ले हो जाएगा, पॉप किया तो 10 बाहर आ गया, अब डिस्प्ले करवाया तो स्टैक इस एम्प्टी आ जाएगा। तो इतना काम हमने किया है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसको हम विजुअल कोड पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यही पूरा प्रोग्राम जो है लिख रखा है, तो जल्दी से हम इसी को ही रन करवा के आपको दिखाते हैं। ये सारा कोड अभी हमने समझाया है इसी वीडियो के अंदर, आपको अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, और एक बार नहीं 3-4 बार देखिए, क्योंकि लिंक लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े टफ हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आती है लिंक लिस्ट, हमने कोशिश पूरी करी है कि आप लोग को लिंक लिस्ट समझ में आए। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया है, और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए इसको हमने रन करवा के देखना है, तो हमने इसको रन करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एंटर वैल्यू, बिकॉज हमने वहां पे डाला हुआ है एंटर वैल्यूज का, तो यहाँ 34। ठीक है, तो देखिए 34 इसने एंटर करवाया, आइटम पुश लिख के आया, फिर प्रिंट करवाया 34 को, और दोबारा क्योंकि हमने इंट मेन में, देखिए इंट मेन में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पुश, तो पुश हुआ हमारे पास एक ऑपरेशन। ठीक है, फिर डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या हुआ, एक एलिमेंट इसने प्रिंट करवा दिया 34, और फिर हमने दोबारा दूसरे फेज में क्या कर दिया, पॉप ऑपरेशन को कॉल कर दिया। तो जब हमने पॉप ऑपरेशन को कॉल किया तो वहां से क्या हुआ, 34 डिलीट हो गया। जब 34 डिलीट हुआ, स्टैक हमारे पास क्या हो गई, क्योंकि हमने दोबारा देखे कॉल करवाया डिस्प्ले को, तो स्टैक यहाँ पे क्या पाई, उसने एम्प्टी पाई, तो ये हमारा आंसर आ रहा। अगर आप कई बार पुश ऑपरेशन को यहाँ पे करते हो, जैसे हमने पुश दोबारा करा, ठीक है, अब हमने जैसे दोबारा करा, एक बार फिर से रन करवाते हैं इसको, तो हमसे पूछ रहा है ये वैल्यूज, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो हमने 23 डाला। ठीक है, दोबारा ये पूछ रहा है, एक आइटम पुश हुआ, दोबारा पूछ रहा है एंटर वैल्यू, बिकॉज पुश ऑपरेशन कितने, 2 बार लिखे गए, तो 40 45 हमने इंसर्ट करा। अब देखिए
45 ये पहले आया, 23। आप जब पॉप करेंगे आप, तो जो लास्टली एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था 45, वो डिलीट हुआ है और 23 हमारा बचा हुआ था। तो यहाँ पे आप एम्प्टी नहीं लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने पॉप ऑपरेशन को एक बार ही कॉल किया है, तो एक एलिमेंट डिलीट हुआ और दूसरा एलिमेंट अभी भी हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड भी लेके आए हैं, ये हमारी वीडियो में मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पे कोड लेके आई हूँ। अगर जिस बच्चे को कोड चाहिए डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो यहाँ पे हम कोड लेके आए हैं, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये कोड है। ये हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 25, उसका ये कोड है। ठीक है, ये मैंने वीडियो नंबर 25 ये बनाया हुआ है। अगर किसी को डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं आता है, तो वो जाके देख सकता है, विजिट कर सकता है चैनल पे। कंप्यूटर शगुफी चैनल का नाम है, और आप जाइए, समझिए इस कोड को। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया है, इससे आसान वे नहीं हो सकता कि हम लिंक लिस्ट पढ़ा दें आपको, या कोई और भी टीचर पढ़ा दे। इंसर्शन एट लास्ट इन डबली लिंक लिस्ट, ये पूरा फुल डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड है। डिलीशन एट बिगनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, डिलीशन एट लास्ट इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, डिस्प्ले इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन आ गया है अब। चलिए, तो कोड यहाँ पे खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सारे नोटेशंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।